हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बुलेट क्रू में, मैं जितेंद्र, और फाइनली हमारे पास आ चुकी है क्रोम 350 BS6 मॉडल। एंड बहुत लोगों का डिमांड रहता है इस मॉडल के रिव्यू के लिए। अभी स्टेल्थ ब्लैक मॉडल अभी यहां पर अवेलेबल नहीं हुआ है, इसकी वजह से रिव्यू नहीं आया, बट क्रोम मॉडल में क्या क्या चेंजेस मॉडिफिकेशन किए गए हैं वो बताने वाला हूँ। एंड BS4 एंड BS3 का जो साउंड है ना, जिसको लोगे बहुत लोगों का डाउट है, वो भी इस वीडियो में कवर करेंगे। क्या प्राइस में आपको अवेलेबल होगी, क्या क्या डिफरेंस है, आपको बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो सारी डिटेलिंग इस वीडियो में मिलने वाली है। तो मेक श्योर इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए जानते हैं। बिफोर स्टार्टिंग दोस्तों, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइएगा, ताकि ऐसे ही बेहतरीन अच्छे अच्छे वीडियोस आपको टाइम टाइम मिल सके। दोस्तों, पहले अगर बात की जाए क्या क्या चेंजेस मॉडिफिकेशन किया है, मैंने गनमेटल ग्रे का भी बताया था, वैसा ही चेंजेस मॉडिफिकेशन है, बट इसमें जो अलॉय व्हील है वो आपको नहीं मिलेगा, इसमें स्पोक व्हील्स मिलेगा आपको। तो इसमें स्पोक व्हील्स मिलेगा, इसमें अलॉय का ऑप्शन नहीं आ रहा है साथ में। एंड फुल्ली क्रोम टच आप देखेंगे कि आपको फ्रंट मडगार्ड, रियर मडगार्ड एंड टैंक फुल्ली क्रोम में आ रहा है, कैथलिक कन्वर्टर के साथ में आ रहा है, सिंगल स्पार्क इंजन FI मॉडल आ रहा है। साउंड तो मैं आपको सुनाऊंगा अभी, बट और भी छोटे छोटे मॉडिफिकेशन चेंजेस क्या किए हैं वो भी दिखाता हूँ क्लोज करके। जो रॉयल एनफील्ड ने बहुत अच्छा किया है वो है AHO को ऑफ कर दिया गया है। जैसे ही आप लाइट ऑन करेंगे तो जो आपका जो पार्किंग लाइट है वही ऑन होगा, हेडलाइट जो है वो ऑन नहीं होगा। जैसे ही आप इसको स्टार्ट करेंगे, जैसे ही मैं सेल्फ स्टार्ट करता हूँ इसको, तब जाके आपका मेन लाइट जो है वो स्टार्ट हो रहा है। तो ये बहुत अच्छा किया, जिससे आपकी बैटरी जो है वो बचेगी, जो BS4 में प्रॉब्लम आता था AHO की वजह से वो प्रॉब्लम नहीं आएगा। एक और मॉडिफिकेशन जो किया हुआ है वो है साइड स्टैंड सेंसर लगाया। जैसे कि अगर मैं साइड स्टैंड लगाता हूँ और गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ तो न्यूट्रल में गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, बट जैसे ही मैं गियर डालूंगा तो गाड़ी जो है वो ऑफ हो गई है। तो गियर जो साइड स्टैंड सेंसर है वो भी लगा दिया गया है, जिसकी वजह से सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अभी गाड़ी का साइड स्टैंड लगा हो तो गाड़ी जो है वो नहीं चलेगी, जैसे कि इंटरसेप्टर में आ रहा है। तो दोस्तों, इंडिकेटर्स में वर्क चेंजेस किए हुए हैं, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर ABS अभी कर दिया। पहले यहाँ पर रॉयल एनफील्ड का लोगो आता था, ये रिजर्व इंडिकेटर है, एनी मेल फंक्शन है जो कि FI में जरूरी होता है, तो ये मॉडिफिकेशन भी किया हुआ है। दोस्तों, FI वर्जन है तो आपको जो एयर फिल्टर है वो डायरेक्टली नहीं दिखाई देगा, वो मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो आप देख रहे हैं इसको ओपन करना पड़ेगा ताकि जो डस्ट है वो FI को खराब ना करे। तो इसमें जो जो एयर फिल्टर का कवर आपको ये देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं ये स्पोक व्हील्स में आ रहा है, एंड स्पोक व्हील्स जो है मेरा फेवरेट है, क्योंकि मुझे रॉयल एनफील्ड जो है स्पोक व्हील्स में ज़्यादा बेटर लगती है, एंड जो कॉन्फिडेंस लेवल स्पोक व्हील में आता है वो आपको अलॉय व्हील में कभी नहीं मिलेगा। एंड दोस्तों, कलर जो है बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है, जैसे कि आप कलर देख रहे होंगे, क्रोम कलर बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। श्योरली ये हेड टर्निंग होगा, अगर आपने अपने सिटी में ले रखा है तो बहुत ही रेयर मॉडल्स में, रेयरली दूसरी कोई कंपनी क्रोम मॉडल बनाती है, तो अगर ये रोड पे आएगी तो हेड टर्निंग जरूर होगा। दूसरा आपको यहाँ पर रिफ्लेक्टर दिखाई दे रहा होगा, वो भी बहुत अच्छी चीज है, साइड से जो गाड़ियां आती हैं वो रिफ्लेक्ट करेंगी, तो वो भी एक अच्छा किया हुआ है। ड्यूल चैनल ABS आपको मिल रहा है, जो आप देख रहे हैं आगे और पीछे के साइड दोनों के तरफ आपको ABS मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। इवन ABS इज वर्किंग गुड, रॉयल एनफील्ड के ABS में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, बहुत ही लेस कंप्लेन आपको देखने को मिलती है रॉयल एनफील्ड के ABS में। तो दोस्तों, ये है BS4 मॉडल जो आप सामने देख रहे हैं, जिसमें आपको दिख रहा होगा कार्बन, ये है क्लासिक 350S मॉडल और इसमें कार्बोरेटर है, और वो जो आप मॉडल देख रहे हैं सामने वो मॉडल है EFI क्रोम मॉडल, जो कि BS6 है 350 मॉडल। तो हम सुनने वाले हैं दोनों का साउंड, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि डिफरेंस क्या है।
तो दोस्तों जैसे कि आपने साउंड सुना, साउंड में उतना ह्यूज चेंजेस नहीं है BS4 एंड BS6 के, एंड ये जो कैटलिक कन्वर्टर जो दिखा रखा है लोगों ने, बहुत ज्यादा इसको एक्स्ट्रा करके दिखाया हुआ है। पहले ये जो सेम कैटलिक कन्वर्टर था वो इस साइड में आता था, वो अभी इस साइड में नहीं होके ऊपर साइड में कर दिया गया है, ताकि जो कार्बन है वो फिल्टर्ड होके आगे तक फ्लो ही ना करे। तो ये चीजें की गई हैं, तो इसके वजह से साउंड में उतना ह्यूज चेंजेस नहीं है। दोस्तों अब आते हैं वो क्वेश्चंस के ऊपर जो सबसे ज्यादा लोग पूछ रहे हैं। मैंने साउंड तो सुना दिया, साउंड के आपका जो क्वेश्चन होगा वो आई होप नहीं आएगा दोबारा, बट अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो माइलेज को लेकर आ रहे हैं। तो माइलेज कितना होगा? तो दोस्तों माइलेज जो आने वाला है 42 के आसपास ही रहेगा, उसे ह्यूज चेंजेस नहीं मिलेगा। FI आने की वजह से थोड़ा सा आपको सस्टेन मिल सकता है, जो एवरेज माइलेज होगा वो ज्यादा ड्रॉप नहीं होगा, अगर आप प्रॉपरली राइड करते हो, इकोनॉमिक स्पीड में राइड करते हो। राइडिंग स्टाइल एवरेज को मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और बाकी वाइब्रेशन, हीटिंग, इन सब की बात की जाए तो वो BS4 जैसा ही है। ये जो इंजन आप देख रहे हैं वो BS4 जैसा ही है, जस्ट यहाँ EFI 350 लिख दिया है और कुछ भी चेंजेस नहीं किया गया है, बाकी चेंजेस मॉडिफिकेशन नहीं मिलेगा। लेना ना लेना, बाय करना ना करना, वो टोटली आपका डिसीजन होगा, बट मेरा सजेशन ये रहेगा कि क्रोम मॉडल और जो स्टेल्थ ब्लैक मॉडल आ रहा है वो बहुत ही ज़्यादा सेक्सी एंड ऑसम मॉडल है कलर वाइज, जो हेड टर्निंग कलर बोलते हैं ना वो कलर है रॉयल एनफील्ड के, जो आ चुके हैं 350 में। तो मेरा सजेशन रहेगा जरूर बाय करिए BS6 के ये मॉडल, एंड यहाँ वीडियो को एंड करते हैं। क्या है आपका पॉइंट ऑफ व्यू जरूर शेयर करिए कमेंट सेक्शन में, और ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, और देखते रहिए बुलेट गुरु, ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेटिव ब्लॉग आपके लिए आती रहेंगी। बाय।